क्या मस्त रास्ता है बॉस। बाप रे क्या खतरनाक वाला ऑफ रोड मिला है अभी हमें। तो गाइस फाइनली हम लोग ये खूबसूरत सा लोकेशन तक पहुंच गए हैं। पीछे से पहाड़ का जो व्यू है वो तो अल्टीमेट सा दिखाई दे रहा है यहाँ से। ओए 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 रुक 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 रुक। ठीक है कोई नहीं भाई, कोई नहीं। तो गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज केतन। की हाल चाल, शुरू करते हैं धूम मचा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन आज का प्लान कुछ ऐसा है, हम लोग निकल गए हैं राइड के लिए कॉज आज है संडे एंड संडे को संडे राइड नहीं किया तो वो संडे संडे नहीं कहलाता। तो अभी फिलहाल हम लोग तारापुर एंटर कर रहे हैं, वहां से अभी हम लोग जाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा स्पॉट पे। स्पॉट के बारे में बताने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई राइडिंग मेट्स। यहाँ पे है बासव भैया, यहाँ पे हमारे साथ है आरके एंड इसका दोस्त। तो ये लोग भी जा रहे हैं हमारे साथ। मैंने आरके को पहले ही अपना व्लॉग में इंट्रोड्यूस करवा दिया था, ही इज़ अ पैशनेट फोटोग्राफर एज वेल एज बहुत कुल वीडियोस भी लेता है। तो आज ये भी जा रहा है हम लोग के साथ। आपको अगर लास्ट व्लॉग का फेक ड्रोन शॉट्स याद है वो इसी ने लिया था, तो आज वो हमें हेल्प करेगा कुल वीडियोस क्लिक करने में। वैसे आज हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा लोकेशन पे। फिलहाल मैं बता दूं यहां से हमें रहना पड़ता है राइट टर्न। आज मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन पे जाने का रास्ता जो है दिखा दूंगा, क्योंकि आपका कंप्लेन रहता है कि मैं आपको लोकेशन ठीक से दिखाता नहीं हूं। तो आज मैं आपको लोकेशन ठीक से दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे हम लोग कालाइन रोड पे चढ़ चुके हैं और यहाँ से हमें जाना पड़ेगा स्ट्रेट। तो जब नेक्स्ट टर्न आएगा तब हम आपको अपडेट कर देंगे। वैसे तो लोकेशन के बारे में बताते हैं, आज हम लोग जिस लोकेशन पे जा रहे हैं वहाँ पे एक छोटा मोटा पत्थर का नदी रहने वाला है एंड बैकग्राउंड पे हमें पहाड़ भी दिखाई देने वाला है। तो लाइक लोकेशन इज गोइंग टू बी वेरी कूल वन। उस लोकेशन तक जाने पे मदद करने वाला है हमें एक लोकल जो कि उसी एरिया पे रहते हैं, प्रभाकर। मैंने पहले ही अपना व्लॉग में इंट्रोड्यूस करवा दिया था, ही इज अ व्लॉगर एज वेल। तो वो भी आई गेस व्लॉग करेगा। वैसे तो यहाँ पे रास्ता थोड़ा बहुत टूटा फूटा जस्ट आगे तक ही, उसके बाद ही पूरा एकदम सही रास्ता है। हम आगे बढ़ते हैं, आप कुछ सीन्स यहाँ वहाँ का एंजॉय कीजिए। यहाँ पे आप एक ओवर ब्रिज देख सकते हैं, ये एक्चुअली रेलवे का ब्रिज है एंड इस पे पैदल और बाइक लेके जाने का भी रास्ता है यहाँ से जाके ऊपर चढ़ने का। एंड इस ब्रिज में भी बहुत एडवेंचरस ब्रिज है, इस पे अगर आप कभी क्रॉस करोगे ना एडवेंचर समझ जाओगे। मैं एक बार साइकिल लेके क्रॉस किया था और वो अभी भी मुझे याद है। एंड गाइस यहाँ से हमें अच्छा रास्ता मिल गया है। ओए होए होए लीन 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 लीन, ये देखो गाइस अच्छा रास्ता किसे बोलते हैं। यहाँ पे एक और लीन, ओह मजा आ गया खींच के। ओ भाई क्या मेहनत कर रहा है भाई, क्या ही मेहनत कर रहा है। इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है बॉस। एंड भाई थैंक यू सो मच भाई, आज ये सब कूल एंगल्स मिलने वाला है ओनली बिकॉज ऑफ हिम। आपको फेक ड्रोन शॉट्स कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट पे जरूर बताना। और वैसे हम यहाँ अल्ताफ ब्रिज पे पहुंच गए हैं, ये देखो अल्ताफ ब्रिज, पराग रिवर नीचे से अल्ताफ ब्रिज ऊपर से, बहुत ही मस्त है भाई ये ब्रिज। तो यहाँ पे तो फेक ड्रोन शॉट्स बनता ही है, तो यहाँ का फेक ड्रोन शॉट्स आपका स्क्रीन पे कुछ ये रहा। अल्ताफ ब्रिज के बाद यहाँ पे एक लाइक छोटा मोटा एक मार्केट टाइप एरिया है, यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉपुलेशन है। उसके बाद तो यहाँ से हमें स्ट्रेट ही जाना है, शायद से हमें आगे थोड़ा बहुत ख़राब रास्ता मिल सकते हैं, पर कोई नहीं, ऑल सेट, चलो। नज़ारा एंजॉय कीजिए गाइस, क्या खूबसूरत खेत दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, पूरा एकदम ब्राउन होके रखा है। मैं तो वैसे वाइजर के अंदर से देख रहा हूँ तो मुझे ब्राउन दिखाई दे रहा है, वैसे लाइक नेकेड आइज से भी बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है गाइस, बहुत ही खूबसूरत है।
एंड रास्ता का क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है सो फार। अभी तक हम लोग को ख़राब रास्ता मिला नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ख़राब मिला था, उसके बाद तो सुपर डुपर फाइन। क्या मस्त रास्ता है बॉस, क्या ही मस्त रास्ता है। अए हए हए होए होए होए। वैसे हम सिलचर रहते हैं, हमारे लिए ये सब लीन ही बहुत ही खतरनाक है क्योंकि हमें टाउन पे तो कोई लीन मिलता नहीं है, टाउन से थोड़ा बाहर आना पड़ता है लीन वगैरह मारने के लिए, वही है बस। भाई साहब सीन यहाँ से देखो, ओ भाई लाजवाब। मैं इस रास्ते में पहली बार ही जा रहा हूँ, हमें जाना पड़ेगा पूरा कालाइन तक, अभी हम लोगों को लोकेशन मिला है। ज़्यादा दूर अभी हम लोग हैं नहीं कालाइन से, अभी थोड़ी देर जाके हम लोग चेक कर लेंगे हमारा फुटेज। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आया था एक बार बहुत छोटा जब था, तब स्कूल से पिकनिक लेके आया था यहाँ पे एक बार। भाई साहब आपको अगर खेत दिखने का मन हो ना, इस जगह पे आ जाना, आपका मन जो है ना भर जाने वाला है। ओ भाई इतना देर से मैं पहाड़ पहाड़ चिल्ला रहा था, शायद से हमें पहाड़ मिल गया है। यहाँ पे पूरा एकदम कर्व कर्व रोड शुरू हो गया, लेकिन ये जो रास्ता है, जो क्वालिटी है ना, बहुत ही ख़राब क्वालिटी है, बहुत ही बम्पी है ये वाला रास्ता। तो यहाँ पे प्रभाकर मिल गया हमें, ये एक्चुअली मेरा कॉलेज का दोस्त है। एंड आप सोच रहे हो क्या ये यहाँ से हर रोज जीसी कॉलेज जाता है, भाई साहब डेडिकेशन मानना पड़ेगा इसका, अलग लेवल डेडिकेशन है पढ़ाई लिखाई पे। मेरा कॉलेज अगर इतना दूर होता ना, मैं हफ्ते में क्या, मैं महीने में सिर्फ एक ही दिन जाता। और ये बेचारा हर रोज जा रहा है कॉलेज, और कभी कभार ऐसा होता है कॉलेज जाके जैसे वापस घूम के आना पड़ता है बिकॉज क्लास नहीं होता है। ओह सबका अलग अलग कहानी है। गाइज यहाँ पे अभी हम लोग एक लोकेशन पे आए हैं, तो लाइक कलाइन आने के बाद यहाँ से एक गली जाता है, तो इसी गली पे आपको एंटर करना है। ये वाला गली, गली का नाम भी एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है, चलो अंदर जाके किसी से पूछ लेते हैं। यहाँ पे अभी भाई उफ हालत ख़राब होने वाला है, ख़राब रास्ता है भाई। ओए बाप रे बाप रे बाप, ये ख़राब रास्ता तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है भाई। ये कलाइन बागान का फैक्ट्री है ना, तो लाइक आपको कलाइन इस रास्ते पे आना है, ये ख़राब वाला रास्ता। यहाँ से आते आते आपको कलाइन बागान का फैक्ट्री मिल जाएगा, यहाँ पे कलाइन टी स्टेट लिखा हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट है। यहाँ से कहाँ जाना है बताओ, तो यहाँ पे ये एक गेट है, ये गेट अभी तो फिलहाल खुला है, तो यहाँ से हम लोग एंटर कर जाएंगे। तो वही गेट है, यहाँ से आप अंदर आ जाओगे, उसके बाद आने के बाद आपको लेना है ये वाला रास्ता। दो रास्ता जाता है यहाँ पे, एक तो इस तरफ एक इस तरफ, तो आपको इस तरफ जाना है। तो इस रास्ते में थोड़ी देर चलने के बाद आपको यहाँ से नीचे उतरना है, आप वीडियो में अच्छे से देख लेना कहाँ से कहाँ होके जाना पड़ता है। फिर यहाँ पे आके राइट, यहाँ पे बड़ा बड़ा ट्रक चलता ना, इसलिए आई गेस रास्ता का कंडीशन ये है। आई गेस हम लोग हमारा लोकेशन तक आ गए हैं। हाँ भाई ओए होए, व्हाट ए कूल लोकेशन। ये ट्रक को देखते हैं, ये ट्रक जहाँ से आता है हम लोग भी क्रॉस करेंगे। नहीं भाई बहुत ज़्यादा हाइट है, बहुत ज़्यादा हाइट है भाई, क्रॉस करना बहुत रिक्सी हो जाएगा। चलो यहाँ से सामने से ये वाला जो रिवर है इसे क्रॉस करने का जगह है, तो सामने चलते हैं हम लोग। क्या क्रॉस कर लोगे, पहले इसको देखते हैं। व्हाट ए वाव प्लेस मैन, व्हाट ए वाव। ओ भाई साहब दिस प्लेस इज अल्टीमेट वन मैन, अल्टीमेट वन। ओह भाई वैसे अभी लाइक ड्राई सीजन है, तो यहाँ का पानी का लेवल थोड़ा कम गया, इसलिए अभी हम लोग एक जगह से एक जगह क्रॉस कर सकते हैं। एंड सामने पहाड़ देखो, कितना बड़ा पहाड़ है, अरे बाप रे बाप रे बाप। यहाँ पे आने के बाद आपको रास्ता खुद खोज के निकालना है भाई। बाप रे क्या खतरनाक वाला ऑफ रोड मिला है अभी हमें। नाउ इट्स माई टर्न, ओहो एक बार में आ गया। गाइज फाइनली हम लोग ये खूबसूरत सा लोकेशन तक पहुंच गए हैं। पीछे से पहाड़ का जो व्यू है वो तो अल्टीमेट सा दिखाई दे रहा है यहाँ से। वैसे मैं बाइक एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म में रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, दूर से दोनों तरफ पानी और बीच में बाइक, यहाँ पे मेरा बाइक। एंड वैसे आप बाइक को इग्नोर कीजिए और सीन्स सीन्स एक बार आप चेक कीजिए। भाई ऑफ रोडिंग ऑफ रोडिंग ऑफ, हम लोग भी ऐसे ऑफ रोडिंग करके आए हैं अभी यहाँ पे।
बहुत मस्त। यहाँ पे ट्रक वगैरह, ये सब ट्रक है यहाँ पे, इसीलिए पानी जो है वो थोड़ा धुंधला सा है। एंड यहाँ पे आर के भाई मेरा जितना सारा अभी सिंबल का सिनेमैटिक्स है सब ये ले रहा है, तो बिग थम्स अप टू हिम। खूबसूरत लोकेशन पे आए और एक अच्छा सा सेल्फी नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आ जाओ भाई, से चीज। वैसे तो गाइज हमारे साथ जितने भी लोग आए थे वो लोग पीछे कहीं पर बिजी है फोटोशूट के लिए। मैं भी यहाँ पे अपना बाइक पे थोड़ा बहुत सिनेमैटिक क्लिक कर रहा था, तो हम लोग का हो गया, अभी उन लोगों के लिए वेट कर रहे, वो लोग आएंगे तो निकल जाएंगे। वैसे रास्ता तो आपने देख ही लिया है, क्या खतरनाक रास्ता है यहाँ का, उसी के डर है भाई रास्ते पे कितना समय लगेगा हमें जाने में। तो वैसे तो गाइस हम लोग इस लोकेशन से निकल रहे हैं एंड यहाँ से लगभग सिलचर 1 घंटा दूर है, तो यहाँ से 1 घंटा लग जाएगा हमें सिलचर पहुँचने में। टाइम हो रहा है लगभग 2:07। अभी हम लोग वाटर क्रॉसिंग करेंगे, तो वाटर क्रॉसिंग का कुछ सीन्स आपका स्क्रीन पे, ये रहा। क्या हुआ भैया? ओए 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 ओए, रुक 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 रुक, आराम से बैठना। अरे अरे रुक 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 रुक, बस भैया रुको। अरे दिलाम तो, दिलाम तो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं भाई, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आंधू है भाई ऐसे छोड़ ना, चाप क्यों लेता है समझ नहीं। नहीं वो मैं पीछे दूर से आके देख रहा हूँ ना। हाँ क्या ये लोग आंधू बांधू पॉइंट में बात करना शुरू कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। ओ भाई फरारी वाला नैनो क्या बना दिया है भाई, ये क्या देख लिया भाई, ये क्या देख लिया अभी। वैसे गाइस अभी मैं बोल रहा था यहाँ पे थोड़ा लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था, वो इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि लाइक आरके जो है वो पूछ रहा था कि कौन सा पूजा का चांदा ले रहे हो आप लोग। वो लोग एक्चुअली चांदा ले रहा था और आरके पूछ लिया कौन सा पूजा का चांदा ले रहे हो, तो उन्होंने बताया तू हिंदू या मुसलमान है, तो वो बोल के यहाँ पे थोड़ा बहुत झमेला हो गया था। वैसे सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया है। तो गाइस बाइक पे हम लोगों ने किया है बहुत ज्यादा अत्याचार, इसलिए यहाँ पे हमें रास्ते पे एक प्रेशर वॉश मिल गया, तो हम लोग का जो बाइक का जो चेन्स है उसे जस्ट एक बारी प्रेशर वॉश कर देते हैं। साफ करने से पहले मैं आपको अपना बाइक का कंडीशन दिखा देता हूँ। दिस इज द कंडीशन ऑफ माई बाइक, होली मोली मैन, पूरा एकदम मिट्टी से भर गया है ये बाइक भी। तो अपना बाइक हो गया यहाँ पे वॉश, मेंटेनेंस का कुछ भी किया नहीं है ना, चेन ल्यूब वगैरह, इसलिए लाइक थोड़ा अत्याचार के बाद साफ कर लिया बाइक को। सामने से भी मार दो थोड़ा करके। हाँ चलो अभी उसमें भी करेंगे फिर निकल जाएंगे यहाँ से। सो गाइस इसी के साथ साफ सफाई खत्म एंड राइड भी खत्म। अभी फिलहाल हम लोग आ गए घर एंड नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस व्लॉग ओवर हियर। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले व्लॉग में। दिस इज कीतन साइनिंग आउट फ्रॉम केपी व्लॉग सर्चर।